आज हम लोग जा रहे हैं कुंडमाला। अभी मैं पुणे में हूँ, बस अभी निकल रहा हूँ। टाइम ऑलरेडी 7 बज चुका है। 8:05 की लोकल पकड़नी है। काफ़ी दिनों बाद लोकल में बैठने वाला हूँ, पुणे की लोकल में। तो वही 8:05 की लोकल पकड़ के तलेगा उतरूंगा। जहाँ तक मैंने पता किया, तलेगा उतरना पड़ता है, फिर वहाँ से जाना पड़ता है। तो तलेगा उतरूंगा और फिर वहाँ से बताता हूँ कि मैं कैसे जा रहा हूँ। तो आगे आगे बस आप इस जर्नी को एंजॉय करो। बस निकलते हैं, अभी ऑलरेडी टाइम हो गया, क्योंकि यहाँ से मुझे बस पकड़ के जाना है और फिर पहुँचना है वहाँ पे। तो टाइम भी लग सकता है अगर बस टाइम पे नहीं आई तो। नॉर्मल चप्पल ही पहन के जा रहा हूँ मैं, मतलब ये वाली नहीं, दूसरे चप्पल पहनूंगा, क्योंकि आज ज़्यादा भीगना नहीं है। तो मैं नॉर्मल चप्पल ही पहन रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं पहन रहा मैं। फाइनली स्टेशन पहुँच चुके हैं, स्टेशन वहाँ पर है और अभी हम लोग थोड़ा नाश्ता करने जा रहे हैं, उसके बाद लोकल लेके निकलेंगे। गाइस 8:05 की लोकल लेने थे, लेकिन 8:05 की तो लोकल ही कैंसिल है। तो अभी सीधा 8:57 पे तलेगांव लोकल है और 9:50 पे सीधा लोनावला लोकल है। तो तलेगांव जाना है, इसलिए तलेगांव लोकल से जाना है। तो अभी बस 1 घंटा स्टेशन पे वेट करना पड़ेगा। यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास है, यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास है जो कुंडमाला। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि तलेगांव उतरने के लिए, लेकिन बेगड़ेवाड़ी बेस्ट है, यहाँ से ज़्यादा पास है। तो अभी हम लोग लोगों को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली वहाँ में लगता है कि लोग वहीं जा रहे होंगे, तो बस उन्हें फॉलो करते हुए जा रहे हैं। अभी तो गूगल मैप भी चालू नहीं किया, देखते थोड़ा आगे जाके गूगल मैप स्टार्ट करेंगे। गाइज हार्डली 15 to 20 मिनट्स वॉक के बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए। सामने ही दिख रहा है वो जगह, तो बस आगे जाके दिखाता हूँ। हार्डली हमने 15 to 20 मिनट्स वॉक किया होगा, आराम से पहुँच गए। गूगल मैप भी यूज़ नहीं किया, ऐसे ही पहुँच गए। एक मंदिर भी दिख रहा है मुझे, ये देख, वहाँ पे जगह है, सामने ही दिख रहा है। तो अभी सब ऐसे रोड से ऐसे जा रहे हैं उधर ब्रिज तक, हम लोग इधर ही उतर गए नीचे, टाइम पड़ना है ना, तो इधर देखते हैं। हम लोग डायरेक्टली लोकेशन पे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि टाइम भी निकालना है ना। अभी 10 बज रहे हैं, 10:06 हो रहा है, 10:06। अभी अपने पास कम से कम आधा दिन है। अभी यहाँ आया है ये इंजॉय करने के लिए। इधर खाली भी और भीड़ भी कम है इस टाइम पे। 10:38 का 3:25 की है पहली ट्रेन। 3:25 के बाप रे, कैसे निकालेंगे इतना सारा टाइम? 3:25 तक ही निकालना है, मतलब 3:25 सोचना है हमें टारगेट जो है। गाइज अभी मतलब 3:25 की लोकल की ट्रेन है वापस जाने की, उसके बीच में ट्रेन ही नहीं है। अब 3:25 तक टाइम निकालना है यहाँ पे। अपनी एक्टिवा से आए होगे तो निकल गए होते। हाँ यार, तो धूप इतनी लग रही है, धूप भी है, पानी भी नहीं है, और बस ऐसे ही घूम रहे हैं हम लोग। तो गोबर के उपले बनाए थे, वो भी सूख चुके हैं। भाई कैसे रास्ते से ले आए आप? तो ऐसे ही है पूरा जगह, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो पत्थर के बीच बीच में ऐसे ऐसे बन गए बीच बीच में। सच्ची बताओ कैसा लगा? कैसा लगा? अभी देखेंगे ना, मेन व्यू देखेंगे, उसके बाद बताएंगे ना कैसा लगा। जहाँ आए हैं मेन व्यू आ गया ना, चलो उधर देखते हैं। आ गया है ना उधर से? हाँ। अच्छा वह लोकल से आया, पैसे भी कम खर्चे हुए, लेकिन टाइम चला गया, सुबह 1 घंटा वेट करना पड़ा। भाई शुरुआत ही ख़राब रही हमारी। तो यहाँ बीच में से पूरा पानी जा रहा है, उधर से पानी आ रहा है और वहाँ पर मंदिर है। तो बस यहीं पे बैठ गया हूँ, पानी का फ्लो है और ये देखो यहाँ पानी जा रहा है। गाइस इधर एक रील ले लिया हमने मस्त वाला, मतलब एक इधर रील लेने के अलावा और कुछ है ही नहीं। मतलब इधर असली में जो पानी है थोड़ा गंदा तो लग रहा है, लेकिन वीडियो में इतना पता नहीं चलेगा। देखो पानी आपको एकदम साफ लग रहा होगा, लेकिन एकदम साफ नहीं है। जैसे वाटरफॉल्स वगैरह पे रहते हैं ना पहाड़ों पे, वैसे एकदम साफ नहीं है, लेकिन पानी ठीक है। पानी में वैसे भी नहीं जाना है अपने को, तो थोड़ा बहुत वीडियो बनाया, अच्छा है। अभी वो
मंदिर वगैरह और वो ब्रिज है, बहुत लोग उधर जाते हैं, वीडियो में देखा है, तो उधर भी जाएंगे। अभी अपने पास बहुत टाइम है, 3-4 घंटे है। गाइज ये वाला लोकेशन तो देख लिया हमने, बाकी ये पीछे से आप देख सकते हो। अभी अगली लोकेशन में जा रहे हैं। चलो, अगर आपको फ़ोटोशूट वगैरह कराने हैं भाई, प्री वेडिंग फ़ोटोशूट के लिए बेस्ट जगह है ये। फ़ोटोशूट कराना है, प्री वेडिंग कराओ या अपने बर्थडे के लिए कोई भी नॉर्मल फ़ोटोशूट, अच्छे अच्छे कैमरे से अच्छी अच्छी फ़ोटो दाइए। ये ब्रिज बहुत वीडियोज़ में देखा होगा, तो अभी इसके ऊपर भी जाएंगे, थोड़ा नीचे देख रहे हैं। और यहाँ पे देखो फ्लो आ रहा है। ऐसा सुना था कि फ्लो बहुत तेज है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। और पानी भी थोड़ा गंदा जैसा दिख रहा है, तो पानी में पैर भी डालने का मन नहीं कर रहा। अभी मैं वो पानी के पास वाला व्यू दिखाता हूँ आपको। पूरा घूम लिया हमने, ये देखो ये पीछे जो है ब्रिज है, और यहाँ पे जो है ये पूरा पानी आ रहा है यहाँ से। तो हमारा तो अभी मन भर गया, लोग पानी में नहा भी रहे लेकिन हम तो नहीं नहा रहे। गाइस ये जो ऊपर ब्रिज दिख रहा है ना, इसके ऊपर जा रहे हैं एक बार, बस इधर घूम के फिर हो गया। ये जगह में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, 50 मिनट में हमने ये जगह कवर कर लिया, मन भर गया। देखो मेरे पीछे पुलिस आ रही है, वो लोगों को अभी जाने को बोल रही, शायद पानी का फ्लो छोड़ने वाला है इधर। देखो पीछे गई ना, तो अभी शायद पानी का फ्लो बढ़ने वाला है, पानी छोड़ेंगे तो अभी सबको भगा रहे हैं यहाँ से। देखो फाइनली मैं ब्रिज पे आ चुका हूँ, यहाँ पे बाइक भी चलती है। देखो हम अपनी एक्टिवा ला सकते थे यहाँ पे, ब्रिज इतनी पुरानी लग रही है, लेकिन यहाँ पे देखो 2-व्हीलर तो जा रही है आराम से। एक्टिवा लेके आना चाहिए था, इधर ही लेके आता ऊपर। गाइस फाइनली पहुंच गए मंदिर में, हो गया ब्रिज खत्म, नीचे आ गए हम लोग। गाइस ये रहा मंदिर, पास से दिखा देता हूँ मैं आपको। मंदिर है श्री कुंड देवी माता मंदिर। तो गाइज अभी हम निकल रहे हैं, अभी 11 बज रहे हैं 11:54 पे। बेगड़ेवाड़ी से लोनावला के लिए स्टेशन है, लोनावला के लिए ट्रेन है, और फिर वहाँ से लोनावला से कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन लेके हम लोग पुणे स्टेशन पहुँच जाएंगे फिर घर।